हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर शंकर जी शर्मा ने बहुत बड़ा जो है अपना ओपिनियन दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया है, काफ़ी कुछ कह दिया है, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी गुस्सा है ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट से। एक्चुअली देखा जाए तो सामने वाला जो कह रहा है उसका मीनिंग निकालते आना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने उसका से बता दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसमें क्या बताने की कोशिश की है वो समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। शंकर जी शर्मा ने ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर क्या बोला ये बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ट्वीट आज का ही है। उन्होंने इसमें कहा है सबसे पहले कि मैं आपको ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। जो मैं डायलॉग बोलता हूँ उन्होंने वही बात बोली है। और उन्होंने सबसे पहले ये बात क्लियर की है कि भाई जो पैसा बाकी था मैंने चुका दिया है, मेरा कोई पैसा बाकी नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप में भरने का, वो तो हम लोगों को भी पता है। बट फिर से उन्होंने बता दिया है कि टैली करके मैंने सीबी को बता दिया है कि मैंने पूरा पैसा चुका दिया है। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि ये मैं कोई किसी को एस्टिमेशन नहीं दे रहा हूँ कि मैंने क्यों बाय किया, क्या बाय किया, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे देखकर बाय किया है तो ये आपकी गलती है। मैंने किसी को बाय करने को नहीं बोला कि मैंने बाय किया इसलिए आपने बाय करना चाहिए। और उन्होंने इसमें यह भी सबसे इम्पोर्टेंट बात किया है, देखिए फ्रेंड्स ये बात अलार्मिंग है, ये किसी को समझ में आते नहीं। उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, आई ओनली होप यू डिडंट पुट 50% to 100% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल स्टॉक, मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप में। इफ़ यू डिड हेड फॉर पर्सनल NCLT, इसका मतलब समझते हो आप? उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है, उनका कहना यह है कि मेरे पास तो बहुत सारे कंपनियों का स्टॉक है, उसमें से एक ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर था, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो लॉस खाने को तैयार हूँ। बट मुझे देखकर जिन लोगों ने लगाया होगा 50% ऑफ द कैपिटल या 100% लगा दिया होगा ब्राइटकॉम ग्रुप में, उन्होंने पर्सनल NCLT के लिए जाना चाहिए। मतलब क्या, नेशनल कोर्ट फॉर लिक्विडिटी ट्रिब्यूनल, मतलब NCLT मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित करने के लिए, बैंक्रप्सी घोषित करने के लिए। मतलब अगर आपने इतना पैसा लगा दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप में तो आप तैयार हो जाइए खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए, बैंक्रप्ट घोषित करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि आपने अगर इतना पैसा लगा दिया है। मतलब उन्होंने ये बताया कि मैंने तो पूरा पैसा लगाया नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स है तो मुझे फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर अगर आपने इतना पैसा लगा दिया होगा तो आपने हेड फॉर पर्सनल मतलब पर्सनल बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के लिए आप तैयार रहिए। NCLT कोर्ट में जाके आपको अपील करना पड़ता है कि भाई मैं पूरा दिवालिया हो गया हूँ, उसका उन्होंने हिंट दिया है। बट उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, बट 4AM स्टॉक के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मैं बार बार बताते रहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 4AM स्टॉक में, मतलब उभरती हुई कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं रिस्क लेता हूँ। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, कैसे किया ब्राइटकॉम ग्रुप में। उन्होंने बताया कि सुरेश कुमार रेड्डी उनको मिलते रहते थे 2014-15 से, वो सुरेश कुमार रेड्डी को जानते हैं जो कि CEO MD है ब्राइटकॉम ग्रुप के। और वो शंकर जी बता रहे हैं कि वो मुझे बताते थे हमारा बिजनेस ऐसा है वैसा है बहुत अच्छा है, बट मैं कभी ध्यान नहीं दिया उस बातों पर क्योंकि उस कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा था और बैलेंस शीट बहुत ही बेकार थी। बट उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कोविड आया और जो कोविड का जो पैंडमिक आया था वो बूंद साबित हुआ एडटेक कंपनियों के लिए। और ये जो पैंडमिक आया जब कोविड के साथ आई, उसके साथ में ब्राइटकॉम ग्रुप का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू धड़ाधड़ बढ़ रहा था, और वैसा ही USA के एडटेक कंपनी का भी मुझे देखने को मिला था ट्रेड डेस्क वगैरह का। और इसीलिए September 21 में मैंने डिसाइड किया कि भाई ब्राइटकॉम ग्रुप की बैलेंस शीट वगैरह ठीक ठाक हो चुकी थी, जब तक थोड़ी सी बेटर हो चुकी थी,
और आरओई इंप्रूव हो चुका हो रहा था, कंपनी डेट फ्री हो चुकी थी और बिजनेस जबरदस्त बढ़ रहा था। और मैंने ये भी देखा था जब कि अर्नेस्ट एंड यंग EY जो वो भी इसका ऑडिट करती थी ओवरसीज कंपनी का, बट मार्केट में मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी थी जब भी कि BCG हैज़ अ गवर्नेंस इशू, ब्राइटकॉम ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आई वॉज श्योर देर वेयर एल्स मार्केट वुडेंट बी ट्रेडिंग इट एट बुक वैल्यू फॉर अ डेट फ्री कंपनी अर्निंग 15% ROE। मैं मानता हूँ, मुझे लगा भी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है इसमें, नहीं तो जो कंपनी का जो है बुक वैल्यू और जो डेट फ्री था और अर्निंग 15% का ROE था, वो शेयर इतना सस्ता कैसे हो सकता है। तो ये बात को मैं समझता था जब भी। बट मैंने ये सोचा कि 4AM स्टॉक जो होता है ये सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल बैगेज होता है। दे हैव हिस्टोरिकल बैगेज, मतलब क्या, पुराने उनके जो बैड रेपुटेशन होती है, गलतियाँ होती है, उसके कारण स्टॉक उठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। और उसके प्रॉब्लम्स हमें समझकर चलना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिस्क लेनी पड़ती है। और हम लोग जो नॉन प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखकर डिसीजन ले सकते हैं, बट उन्होंने ये बताया है कि अननोन अनडिस्क्लोज प्रॉब्लम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। मतलब अब मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं किसी को अंदर के झोलझाल क्या है, तो बाहर के इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा। यही बात उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि हमको तो बैलेंस शीट देख के हमने पैसा लगाया। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी को पता नहीं था कि कंपनी पे फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट हो चुका है, या कंपनी में इतनी इन्होंने एडजस्टमेंट्स की हुई अलग अलग टाइप के, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दी हम लोगों को। तो उन्होंने भी यही बताई है, शंकर जी शर्मा जी ने, कि मुझे भी थोड़ी पता था कि इतने अंदर झोलझाल चल रहे हैं ऐसा। और उन्होंने एक जगह से टॉन्ट मारा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हैदराबाद की कंपनियां वर्ल्ड फेमस है, मतलब। बट उन्होंने बाद में ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हैदराबाद की है, मुंबई की भी है, दिल्ली की भी है, चेन्नई की भी है, बेंगलोर की भी है, कलकत्ता की भी है। मतलब उन्होंने एक शेयर सिटी पे ब्लेम नहीं करना। इन शॉर्ट उनका जो टॉन्ट था वो सत्यम कंप्यूटर की तरफ था कि वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वहाँ पे होते ही रहता है। उन्होंने यही कहा है उनके ट्वीट में कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि फॉरेंसिक ऑडिट का नोटिस आ चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप को, उनसे बात छुपाई गई। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद में अभी जो सेकेंड एंट्री में ऑर्डर आई है वो तो और भी शॉकिंग है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं, वॉट हैज़ अनफोल्डेड सिंस हैज़ बीन स्टूपिडिफाइंग, गॉड्स मैकिंग, अस्टोरशिंग, द लेटेस्ट एंट्री में ऑर्डर लेस बेयर थिंग्स दैट वुड शेम अ पॉर्न स्टार। मतलब ये लेटेस्ट जो एंट्री में जो ऑर्डर आई है वो तो किसी पॉर्न स्टार को भी शर्म में ला दे, मतलब जो पॉर्न मूवीज़ में जो लड़कियां काम करती है उनको भी शर्म आ जाए, इतना शर्मनाक काम मैनेजमेंट ने किया है, ये उन्होंने बताया है। एकदम बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है इस ट्वीट में। इट ऑल्सो शोज द अटर लुनेसी इन सम मैनेजमेंट डिसीजंस। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन। उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने सर पकड़ लिया, शंकर जी शर्मा ने माथा ठोक लिया कि मैनेजमेंट इतने पागलों जैसे डिसीजन, लुनासी जैसे, मतलब एक लुनाटिक डिसीजन कंपनी के मैनेजमेंट कैसे ले सकती है, ये उन्होंने कहा है। आई मीन इफ एन एम्प्लॉय हैज़ टू बाय शेयर्स इन योर कंपनी यू कैन गिव अ लोन अरेंज एन NBFC लोन लाइक मेनी कंपनीज डू, व्हाई गो थ्रू क्रूक्ड हुप्स टू फैसिलिटेट द परचेज। वन कैन सी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ शेयर स्टूपिडिटी अपार्ट फ्रॉम maniacal manifestations at play. The feeling one gets as an investor upon reading the interim order is of eating a sandwich of one part shock, one part horror, with the middle layer of the sheer anger.
मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया है कि उनको भी लग रहा है कि वो ठगे गए, वो लोग शंकर जी शर्मा भी ठगे गए, आप और हम ही ठगे नहीं गए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी की बैलेंस शीट में जो इतने प्रॉफिट्स थे, रेवेन्यू थे, आरओई था, आरओईसी था, और वो शेयर भाग रहा था, कंपनी ने मीडिया में इनका जो न्यूज़ दिया, उसके बाद में ऑडियो कंपनी का दिया, सब अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, तो उसके कारण शेयर भागते जा रहा था, भागते जा रहा था। पर्दे के पीछे फॉरेंसिक ऑडिट का नाटक चल रहा था, किसी को भी पता नहीं था। और वही देख देख के हम लोगों ने सोचा कि इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि किसी को पता नहीं था, तो इसमें किसकी गलती नहीं है। पर जब फॉरेंसिक ऑडिट का पहली बार झटका लगा, उसके बाद में ये सब मैटर शुरू हुआ है, तो उसके पहले किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा खुसूप चल रहा है। और वही शंकर जी शर्मा ने अपने ट्वीट में बताया है कि इंट्री मॉडल देखने के बाद में ऐसा लगता है कि पहले तो सबसे पहले शॉक लगा मुझे पढ़कर, उसके बाद में बहुत डर लगा और बाद में बहुत गुस्सा आया कि ये क्या किया मैनेजमेंट ने, क्या पागलपन करके रखा है, और कैसे भाई बेवकूफ़ बना और कितनी स्टूपिडिटी की है। मतलब भाई एम्प्लॉयज़ को तुमने डायरेक्ट पैसा देना चाहिए था, तुमने वो पैसा का साइफनिंग किया, इधर से उधर घुमाया, आप एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टर्स को लोन लेने को बोल देते थे, बट आपने इतनी बड़ी गलतियाँ करके रखी है, महापाप करके रखा है सभी गड़बड़ों में, और उसमें मरेंगे कौन, इन्वेस्टर्स लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, शंकर जी शर्मा का भी पैसा लगा हुआ है। मतलब उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है इस ट्वीट से, और सभी बातें बताई है कि उनको पता नहीं था कि फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, उन्होंने पैसा लगा दिया, उसके बाद उनको पता चला, उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा होगा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, और उन्होंने बचाव पैसा दिया, बचाव पैसा उन्होंने रोक कर रखा होगा गुस्से में, एक्चुअली वो अभी पता चल रहा है हम लोगों को कि उन्होंने गुस्से में रोक के रखा होगा मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई तुमने पॉलिसी वाइड का बताया नहीं, मैं पूरा पैसा दूंगा नहीं, बट उन्होंने फिर भी जब डिक्लेयर किया था पैसा पूरा आ गया, कंपनी के मैनेजमेंट ने बता दिया था मार्च 22 में कि समथिंग उस पीरियड में, हाँ 20 मार्च अप्रैल में जब शंकर जी शर्मा ने बैलेंस पेमेंट किया ये न्यूज़ आई, उसके बाद में शेयर में अपर सर्किट लगना शुरू हुए थे, आपको याद होगा, तो जो पुराने इन्वेस्टर होंगे इस चैनल से जुड़े होंगे तो सबको लगा कि भाई शंकर जी शर्मा ने पैसा डाल दिया, बचा हुआ मतलब टेंशन की बात नहीं है, उन्होंने भी देख के लगाया होगा, तो उन्होंने भी हो सकता है मजबूरी में लगाया होगा कि भाई आप लगाओगे तो लोग बाय कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट ने उनको भी जब बताया होगा। बट उसके साथ में बाकी जो गड़बड़ियाँ करके रखी है कि वो जो प्रेफरेंशियल शेयर्स के जो पैसे आए वो उन्होंने आधे आधे दिए, सब्सिडी को आधे गायब कर दिए, अभी तक 200-250 करोड़ का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गए, तो ये सब स्टूपिडिटी है। और अच्छा पैसा घुमा घुमा के उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टर को बांट दिया, तो ये जो गड़बड़ियाँ की है उन्होंने, इसके ऊपर शंकर जी शर्मा गुस्सा हो रहे हैं कि ये सब बातें मुझे भी पता नहीं थी, और वो उन्होंने एक तरह से यही कहा है कि इतना पागल जैसा, इतना ब्रेनलेस विंडो मतलब बेवकूफ़ी जैसे डिसीजन मैनेजमेंट कैसे ले सकती है, यही उन्होंने इस ट्वीट से बताया है। अब देखना ये है कि कल की मीटिंग में क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, बट शंकर जी शर्मा तो काफ़ी नाराज लगे हैं इस सब बातों को देखते हुए, उनका ट्वीट देखते हुए। काफ़ी लोगों ने इसका मतलब ये निकाला है कि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बातें की है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो भी शॉक में है, उनको भी गुस्सा आ रहा है, वो भी हॉरर में है, हॉरर मतलब डरे हुए हैं कि क्या होगा आगे, किसी को पता नहीं है। आशा करते हैं कि कल की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, और मैनेजमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखे, उनके भी फायदे का सोचे और कुछ डिसीजन ले, ही आशा करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वेटिंग फॉर टुमारोज मीटिंग्स आउटकम। थैंक यू फ्रेंड्स। उसके पहले के वीडियो देखना, वांट अपर सर्किट, उसमें से जिसको पॉसिबल है वो भी वो काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।